मोटो जी 45 वर्सेस आइकुजीना नेक्स्ट, दोनों में से कौन सा बेस्ट मोबाइल है अंडर 13 के, तो सारे चीजों का हम एक एक करके देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इन दोनों का डिजाइन से। दोनों में ही हमें सिमिलर थिकनेस देखने को मिल जाता है, करीबन 8 mm का। और वेट के मामले में यहाँ पे आइकुजीना नेक्स्ट में हमें 200 ग्राम देखने को मिल जाएगा, वहीं पे मोटो जी 45 पे हमें 183 ग्राम वेट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इन दोनों का आईपी रेटिंग की, यहाँ पे जो मोटो जी 45 है वो हमें IP54 के साथ देखने को मिल जाता है, वहीं पे जो आइकुजीना नेक्स्ट है वो हमें IP64 के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक बैग के साथ आता है आइकुजीना नेक्स्ट, और वहीं पे मोटोरोला G45 हमें वेगन लेदर के साथ देखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों के बैटरी की, आइकुजीना नेक्स्ट में हमें 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 44 वाट चार्जिंग, और वहीं पे मोटो G45 पे हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 20 वाट चार्जिंग। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में IQ G9X हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन दोनों के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आइकुजीना नेक्स्ट में हमें स्नैपड्रैगन का 6-in-1 देखने को मिल जाएगा, जिसका एंटीटू स्कोर करीबन 5.5 लाख के आसपास आ जाता है, और गेमिंग के लिए अच्छा मोबाइल है अंडर 13 के। अगर बात करें प्रोसेसर मोटो जी 45 में, तो उसमें 6S Gen 3 देखने को मिल जाता है, ये भी अंडर 10 के बेस्ट मोबाइल है, जिसका एंटीटू स्कोर करीबन 4.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन दोनों के रैम की, दोनों में हमें LPDDR4X रैम देखने को मिल जाता है, UFS 2.2, दोनों में हमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन दोनों के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आइकुजीना नेक्स्ट हमें बेटर देखने को मिल जाएगा। आइकुजीना नेक्स्ट में हमें फुल HD+120Hz का 6.72 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ 1000 nits का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे मोटो जी 45 है उसमें हमें 6.5 इंचेस का 120Hz का HD+IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाता है, और इसका ब्राइटनेस हमें 580 nits का देखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों के कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे मोटो जी 45 में हमें 13 5G WAN देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई 5 दोनों में ही आता है, और ब्लूटूथ 5.1 दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अगर 5G बैंड की बात करें आइकुजीना नेक्स्ट में, हमें 8 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोनों के मल्टीमीडिया की, तो दोनों में ही हमें स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में ही हमें 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे मोटो जी 45 में हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों के कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे दोनों में सेम सेटअप देखने को मिल जाता है, 50+2 MP का रियर साइड में, जिससे हम 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट में देखें तो यहाँ पे जो आइकुजीना नेक्स्ट है उसमें हमें 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और मोटो जी 45 में हमें 16 MP का। दोनों से ही हम 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे आइकुजीना नेक्स्ट हमें क्लियर विनर देखने को मिल जाता है, मतलब प्राइस भी ज़्यादा है उस हिसाब से। अगर आपको अंडर 10 के ही आपका बजट है, तो मोटो जी 45 आपको बेस्ट रहेगा, मतलब यूनिक डिज़ाइन वेगन लेदर के साथ देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है। अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं अंडर 13 के, मतलब आप 13 के आसपास देख रहे हैं, तो आइकुजीना नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हमें बिगर बैटरी, मतलब बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, बेटर डिस्प्ले, IPS है वो ठीक है, पर प्राइस भी 13 के दे रहे हो ना, प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल जाता है 13 के हिसाब से। तो यहाँ पे आइकुजीना नेक्स्ट हमें क्लियर विनर देखने को मिल जाता है मोटो जी 45 के हिसाब से। तो ये था दोनों का ही कंपैरिजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।